Assalamualaikum people, welcome back to my channel. It's me Hira Umair. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing well. तो अब मैं आज आई हूँ न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं अपने बालों का कलर करने वाली हूँ चेंज. चेंज ऐसा सच नहीं, मतलब थोड़ा सा मुझे डार्क चाहिए, और क्योंकि मेरी रूट्स बिल्कुल ब्लैक हो गई हैं. अभी सही समझ नहीं आ रही हैं, दिखाऊंगी. मेरी रूट्स बिल्कुल ब्लैक हो गई हैं, यहाँ यहाँ तक मेरे ब्लैक बाल हो गए. तो सोचा था थोड़ा रूट्स टचअप हो जाएगा, थोड़ी लेंथ के भी बालों का कलर चेंज कर लेंगे. तो मैंने लिया है लॉरियल का माजरेल, एक है 9.13 और एक है 5.4. ये दो शेड्स हैं, एक ये जो शेड है ये थोड़ा ब्लॉन्ड की तरफ है, और ये थोड़ा कुछ रेडिश ब्राउन टाइप है. इन दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी, क्योंकि अगर सिर्फ ये वाला लगाती तो मेरे बाल बहुत डार्क हो जाते, क्योंकि मुझे बहुत डार्क टोन पे नहीं जाना, और मुझे थोड़ा बीच में रहना है, ना बहुत लाइट ना बहुत डार्क. तो मैंने ब्लॉन्ड भी लिया और मैंने थोड़ा डार्क शेड लिया. इन दोनों को मिक्स करके जो थोड़ा अच्छा सा शेड बनेगा, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, देखें क्या कलर आता है. मुझे भी नहीं पता कि क्या कलर आएगा, तो ट्राई करते हैं कि क्या होता है. वैसे तो मैं करती हूँ घर में रूट टचअप कर लेती हूँ, लेकिन जो प्रॉपर जो कलर होता है वो मैं करवाती हूँ बाहर से ही, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि कलर का क्या मिक्स एंड मैच, क्या करूं क्या नहीं. बट अब मैंने सोचा कि क्यों ना हम घर में ट्राई करें. तो जो मेरे ये जो बिल्कुल ब्लैक बाल है ना, मेरे जो बिल्कुल रूट्स ब्लैक हुई हुई हैं, उस पर मैं 30 का डेवलपर लगाऊंगी, और जो मेरी लेंथ के जो बाल हैं जो ऑलरेडी लाइट शेड में हैं, उस पर मैं 20 का लगाऊंगी. क्योंकि मैं ब्लीच नहीं कर रही बालों में, मुझे अपने बालों का बेड़ा गर्क नहीं करना. तो अगर आपको भी बाल घर में ही डाई करने हैं, तो अगर आपके बिल्कुल वर्जिन हेयर है, ब्लैक है, तो आप भी 30 का डेवलपर यूज़ करना, और अगर बहुत ज़्यादा डार्क बाल हैं और ब्लीच नहीं यूज़ करनी है तो 30 का ही करना है. और अगर ऑलरेडी लाइट है मेरी तरह ये वाले जो लेंथ वाले बाल हैं, तो आप उस पर 20 का डेवलपर यूज़ करेंगे. और ये मेरे बाल हैं, ना मैंने कर्ल किया है ना मैंने अभी कुछ स्ट्रेट किए हैं, ये है मेरे एयर ड्राई बाल, क्योंकि साफ बालों पे कलर यूज़ करना होता है. तो ये अभी मेरे बाल एयर ड्राई हैं, फ्रिजी भी हो रहे होंगे थोड़े से लग रहे हैं आपको, लेकिन मुझे अपने ऐसे ही फ्रिजी फ्रिजी बाल अच्छे लगते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. मेरे रूट्स जो हैं ये बिल्कुल ब्लैक हो गई है, तो मैं सबसे पहले अपने रूट्स पे लगाऊंगी, रूट्स के बाद मैं लेंथ पर जाऊँगी, ठीक है? तो मैंने बना लिया और मिलते हैं पूरे बाल कलर करने के बाद. ओके, सो मैंने पूरे बालों में कलर अप्लाई कर लिया है, वही ब्लैक जो मेरे रूट वाले बाल थे उसमें 30 वॉल्यूम, और जो लेंथ था उसमें 20 वॉल्यूम. तो अब देखें क्या होता है, कलर कैसा आता है क्या नहीं है. मैं 40 मिनट्स तक तो रखूँगी, ताकि अच्छी तरह से बालों में कलर आ जाए, और दुआ करें ना अगर नहीं आया ना अच्छा कलर, तो मेरा जो तेल है ना वो ठक हो जाएगा. मैं हमेशा जो है ना मरियम असगर से ही करवाती हूँ, क्योंकि जब एक बंदी से मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ ना, मैं फिर कहीं और जा ही नहीं सकती. तो उसके बाद मसला ये था कि पहले था सिर्फ बूबू इब्राहिम, तो उसको मैं मम्मी के घर छोड़ देती थी. अब मसला है जो मेरी दूसरी जो औलाद है ना, आपको नहीं पता तूफ़ान है वो किसी के पास नहीं रहती, मतलब रह लेती है लेकिन उसको मम्मा मम्मा, तो मैं नहीं छोड़ सकती थी. और सैलून में उसको लेके जाना जो है ना, मेरे लिए इतना मतलब मुश्किल हो जाता कि मैं क्या करती. वो सबसे उनका प्रोसीजर इतना लंबा है ना, पहले वो स्ट्रेन टेस्ट होता, उसके बाद मतलब फिर वो मुझसे पूछती कि ये कलर आपको चाहिए, तो ये मतलब नहीं चढ़ सकते बालों में आपके बाल, क्योंकि मेरे वर्जिन हेयर नहीं है, मैं ऑलरेडी पहले करवा चुकी हूँ. तो सुबह से लेके रात तक बैठना ना मेरे लिए, और वो भी इसको लेके हुरैन को लेके बहुत मुश्किल था. मैंने कहा क्यों ना घर में एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो हम करते रहेंगे एक्सपेरिमेंट, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, चले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बालों का ना कुछ ज़्यादा शौक सा हो रहा है कि मैं प्रॉपर प्रोफेशनल किसी यू नो बंदे से या बंदी से प्रॉपर हेयर कट सीखूँ, और ये सब कलर का, और दिल चाह रहा है सीखने का. क्या पता सीख भी लूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस तरह बहुत आ रहा है. मुझे कोई बोलता है ना बाल काट दो, सोच नहीं सकते, मैं मचल जाती हूँ, मैं जल्दी से किसी के बाल काट दूँ. अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक बहन जो कि डरती थी मुझसे बाल कटवाने के लिए, उसने मुझसे बाल कटवाए. अब आप सोचें मैंने उसके बाल
मैंने डर डर के भी काटे और मुझे एक्साइटमेंट भी थी कि यार मैं इसके बाल काट रही हूँ, बड़े टाइम बाद कटिंग करवा रही हूँ मुझसे, तो मैंने उसके बाल बड़े मज़े के कट किए। हो सका तो दिखा दूँगी, वैसे वो कैमरे के सामने नहीं आती, बट उसको जब वो सेटिस्फाई जब हुई, जब वो अपने ऑफिस गई और उसको लोगों ने बोला कि बाल अच्छे लग रहे हैं, वरना वो इसका मुँह ऐसे ही था, पता नहीं कैसे लग रहे हैं, क्या नहीं क्या नहीं। तो मेरा बड़ा दिल हो रहा है कि मैं जो ना मतलब प्रॉपर सीखूं किसी अच्छे सैलून से, ट्रेनिंग लूं। देखें शायद इन फ्यूचर मैं कुछ इस तरफ जाऊं शायद, क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि कुछ ना कुछ तो करूं, फिर ऐसा ना हो कि यू नो लोग आ जाएं मेरी बहनें कि बाजी ये कर दो या कर दो, तो तब मैं कुछ भी नहीं कर रही, यू नो तब मैं तब आप मुझे पे करेंगे तो तब आपके बाल कट होंगे और आपको कलर लगाया जाएगा, वरना तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये आया है मेरे बालों में कलर और मुझे बहुत मज़े का लग रहा है ये, शुक्र है कि देखें कुछ रेड सा भी शेड है, कुछ ब्राउन सा भी है, मज़े के बाल लग रहे हैं। अच्छा, ये अभी एयर ड्राई है, मेरे बाल बहुत फ्रिजी हो रहे हैं और अभी मैं स्ट्रेट करके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि स्ट्रेट करने के बाद बाल कैसे लग रहे हैं। बम्प हटा हुआ है बालों में, आती हूँ थोड़ी देर में। फ्रिज ख़त्म किया है मैंने, बिल्कुल डेड स्ट्रेट बाल नहीं किए, सिर्फ मैंने अपना बालों का जो बम्प हटा हुआ था ना वो थोड़ा सा फ्रिज कम किया है और अब प्रॉपर कलर पता चल रहा है, शुक्र। सोच रही थी पता नहीं कैसा कलर आएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, नहीं भी अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, लाइक करने में तो कुछ नहीं जा रहा ना पैसे जाते ना बिल जाता है आप लोग का, तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और देखें नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या चीज़ लाती हूँ। वैसे तो ईद का मौका है, कुछ ईद से रिलेटेड ही होगा इंशाल्लाह। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।